हाय, गुड इवनिंग एवरीवन. दिस इज डॉक्टर स्पर्श गुप्ता, योर पैथोलॉजी फैकल्टी एट सेरिबेलम एकेडमी. एंड आई हैव द प्रिविलेज एंड प्लेजर ऑफ हैविंग विद मी वन ऑफ द स्टॉलवर्ट्स ऑफ ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी, डॉक्टर रेना चावला मैम विद अस. एंड द टू ऑफ अस हैव द प्लेजर ऑफ हैविंग अ डिस्कशन ऑफ अ वेरी सक्सेसफुल स्टूडेंट हु क्रैक द एफएमडी एग्जाम दिस टाइम अराउंड, डॉक्टर दिनेश वर्मा. यस वेलकम एंड हार्टिएस्ट कंग्रेचुलेशंस डॉक्टर दिनेश, आपको और आपके परिवार को एग्जाम क्रैक करने की बहुत बहुत बधाई. थैंक यू सर। तो हम फॉर्मल डिस्कशन से पहले डॉक्टर दिनेश, आपसे थोड़ा सा आपका ब्रीफ इंट्रोडक्शन अगर ले लें, अगर आप बता दें अपने बारे में. सर यही है कि सेरिबेलम ऐप द गुड ऐप, अच्छी ऐप है, मॉक अच्छे हैं, कंटेंट बहुत अच्छा है, और एनआईएसटी और पीजी का कंटेंट वेरी गुड कंटेंट, मतलब बहुत ज्यादा अच्छा कंटेंट है सर उसका। ठीक है दिनेश, डॉक्टर दिनेश अपने बारे में बताएं कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, इंडिया में कौन से पार्ट में, और आपका कॉलेज कौन सा है. सर आई एम बिलोंग फ्रॉम हरियाणा। हरियाणा के अंदर टाउन है सोनीपत, सोनीपत के अंदर है, डिस्ट्रिक्ट है सोनीपत और टाउन है गन्नौर, वहां से बिलोंग करता हूँ सर मैं, तो और गवर्नमेंट भाई और गवर्नमेंट स्कूल से ही पढ़ा हूँ बहनों सर मैं भी। ने जान के घनी खुशी होगी कि यो छोरा अपने इलाके का निकल आया. यस सर, आई अच्छा, एम वेरी हैप्पी टू हियर दैट बिकॉज माई इन लॉज आर फ्रॉम गनौर, सो आई एम वेरी कनेक्टेड विद गनौर से, तो बहुत है, मैं आई ऑलमोस्ट हर दूसरे तीसरे महीने में वहीं पे होती हूँ, सो नाइस टू नो दैट यू आर फ्रॉम देयर। एंड मैम प्रैक्टिस भी कर रही हैं, वो हरियाणा में ही कर रही हैं, तो इसी हिसाब से हम समझ फरीदाबाद सकते हैं कि हमारी खुशी काफी ज्यादा. में प्रैक्टिस है एंड या गनौर थोड़ा सा दूर है, बट हाँ इट्स अ वेरी फेमिलियर प्लेस, नाइस टू नो डॉक्टर दिनेश यस फ्रॉम थैंक वेयर, फ्रॉम यू. द सेम प्लेस। थैंक यू। और डॉक्टर दिनेश, जो जितने लोग ये इंटरव्यू देख रहे होंगे उसमें से वो लोग ज्यादा खुश होंगे जो आपके अपने मेडिकल स्कूल को बिलोंग करते हैं, है ना. क्या तो सर? आपके अपने मेडिकल स्कूल या मेडिकल कॉलेज को बिलोंग करते हैं, वो लोग आपको देख के ज्यादा खुश होंगे. तो उसके बारे में बता दीजिए कि आपने ग्रेजुएशन कहाँ से किया. सर मैं किर्गिस्तान के अंदर जलालाबाद स्टेट यूनिवर्सिटी है वहां से सर। अच्छा डॉक्टर हाँ सर। दिनेश, आपका इस वाला एग्जाम के अंदर अभी बता दीजिए कि आपका कौन सा अटेम्प्ट था, और आपका इस एग्जाम के अंदर जिसको मतलब ऑन एन एवरेज के हिसाब से अगर देखा जाए लास्ट फ्यू ईयर से, तो थोड़ा टफर एग्जाम था, तो उसमें आपका कितना स्कोर रहा. सर मेरा अच्छा स्कोर रहा, 173 मार्क्स आए सर मेरे, वेरी गुड. और थोड़ा टफ एग्जाम था बट क्रैक करने में कोई मतलब मेहनत करेंगे तो हो जाएगा सर, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं होगा, हो जाएगा सर। ये आपका कौन सा अटेम्प्ट था डॉक्टर दिनेश, सर सेकंड अटेम्प्ट सर, ये आपका सेकेंड अटेम्प्ट था. ओके, और आपका लास्ट जो अटेम्प्ट आपने दिया था उसके अंदर कैसा था स्कोर. सर 135, उसके अंदर 135 था. ग्रेट. 135। तो अगर मतलब मैं एक एवरेज स्टूडेंट से की तरह आपको इमेजिन करूं डॉक्टर दिनेश, तो मतलब मैं आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगा कि सर ऐसे जैसे आपने लास्ट टाइम प्रिपरेशन करी और आपका स्कोर आया 135, तो यस सर, दैट मीन्स यू आर 15 मार्क्स शॉर्ट ऑफ गेटिंग दैट, है ना, थ्रेशोल्ड 150. यस सर, तो ऐसा भी हो सकता है कि इस बार भी कुछ लोगों के मार्क्स जो उसी रेंज के अंदर आए हो सकता है 138 आए हो, 132 आए हो, 140 आए हो. यस सो सर, दैट एक्स्ट्रा थिंग दैट यू डिड इन दिस पर्टिकुलर अटेम्प्ट व्हिच एनेबल्ड यू टू गेट अ स्कोर व्हिच वाज अ वेरी गुड स्कोर लाइक 173. सर मैं कहना चाहूंगा सर, सबसे पहले मॉक मंथ में कम से कम 2 मॉक देने चाहिए, और उनको जो क्वेश्चन गलत हुए उनको लिखना चाहिए, जैसे मैंने किया था, मैं 12 मॉक दिए टोटल, 12 मॉक में जो जो क्वेश्चन मेरे गलत होते थे मैं वो लिखता था, मतलब वो क्वेश्चन, उनमें बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते थे जो मुझे आते थे बट मतलब थोड़ी अप्रोच नहीं हो पाती थी जिसकी वजह से वो गलत हो जाते थे। कंटेंट है माइंड में कि थोड़ा सा है वहां तक मैं पहुंच रहा हूँ, बट वो थोड़ी सी मिस्टेक के कारण वो गलत हो जाता है, सिली मिस्टेक होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है, याद होता है बट सिली मिस्टेक होती है जिसकी वजह से क्वेश्चन गलत होता है बार बार, तो फिर वो लिख लेने से वो फिर चीजें याद रहती हैं। फिर मैं यही करता था, मॉक लिखे, लिखने के बाद उसको सुबह जाते सबसे पहले वो मॉक पढ़ता था, 6 महीने लगे, मतलब सबसे पहले वो मॉक पढ़ता था सुबह जाते ही, और फिर आगे बढ़ता था कि क्या सब्जेक्ट मेरे को स्टार्ट करना है और क्या कंप्लीट करना है, और फिर रेगुलर बेसिस पे मैं 200 क्वेश्चन लगाता था रोज, मतलब 200 MCQ लगाने लगाता ही लगाता था। तो मुझे आपकी बात से बेसिकली तीन टेक होम मैसेज समझ में आए. पहला तो यह कि आप बहुत क्लियर थे इस पर्टिकुलर चीज में कि आप अगले दिन जाके क्या सब्जेक्ट पढ़ेंगे, आपको इसके बाद क्लैरिटी यस सर, एक दिन थी. पहले मैं जैसे लाइब्रेरी से निकलता था, रूम में जाके खाना खाया, बैठा और फिर सोच के ही सोता था कि कल क्या मेरे को पढ़ना है और एग्जैक्टली कल कितना क्या पढ़ना है, कितने पेज, मतलब फिक्स था, मैंने हर पेजेस पे मार्क्स डाल रखे हैं, नंबर डाल रखे हैं कि 50 पेज पढ़ने हैं, 60 पेज पढ़ने हैं,
मतलब 60 पेज तो कभी नहीं पढ़ पाया, 50 40 45 पेज पढ़ लेता था रोज में। फिर मैं उसके बाद 200 MCQ लगाता था, उसके बाद फिर लाइब्रेरी से निकल जाता था। और इसमें सबसे सर फर्स्ट मेरा अटेम्प्ट इसलिए भी फेल हुआ क्योंकि मैं 4 घंटे ही सोता था। ओके हाँ सर, मेरा वो फिक्स बहुत जरूरी अलार्म 3 आवर्स 50 मिनट, सोना, 10 मिनट के अंदर फ्रेश होके लाइब्रेरी पहुंच जाना। मेरा है। कारण, सबसे बड़ा फेल होने का कारण यही था कि मैं कम सोता था। इस बार मैंने नींद में कोई कटौती नहीं की, फुल सोया 8 10 घंटे, जब तक मेरी नींद पूरी नहीं हुई जब तक मैं सोया, कि वो मैंने बहुत पढ़ जरूरी है, रखा है। अदरवाइज हाँ रिटेंशन नहीं होगा। इफ यू डोंट गेट इनफ स्लीप तो फिर नहीं यस आता सर, है तर। मतलब याद तो रहती है चीजें, बट जब एग्जाम देते हैं ना उस टाइम वो चीज रिकॉल नहीं होती है, जिसकी वजह से, नींद की वजह से वो चीजें स्किप होती हैं। जितना ज्यादा सोना, पढ़ना ज्यादा जरूरी है, उतना ही ज्यादा सोना भी जरूरी है। ये चीजें मैं सीखी है वेरी अटेम्प्ट में। इंपॉर्टेंट पॉइंट। हाँ आई थिंक जो मेरे को जो समझ आया, 3 या 4 मेजर चीजें समझ में आई फॉर द सक्सेस ऑफ एनी कैंडिडेट, है ना। वो मेहनत तो सभी लोग करते हैं, बट पहली चीज तो यह है कि आपका फोकस क्लियर है। कि जैसे हम स्ट्रैटेजी टिप्स में भी एक चीज बोलते हैं कि बिफोर यू स्लीप, है ना, यू शुड हैव एन आइडिया अबाउट व्हाट इज द योर टारगेट फॉर द नेक्स्ट डे, यस राइट। सर, सेकेंड थिंग इज, अपार्ट फ्रॉम द थ्योरी, यू हैव बिन प्रैक्टिसिंग क्वेश्चंस रेगुलरली, मतलब 200 MCQ रेगुलरली करना इज अ वेरी गुड हैबिट। और थर्ड है कि आपने जैसे एक अपना एक रेगुलर रूटीन बनाया और जिसमें आपने टारगेट किए 60 पेजेस, है ना। तो हाँ मतलब सर ये तो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना कि थोड़ा सा एरो वो मिस करता था, नीचे आता था, तो सही है 60 का टारगेट बनाओगे तो आप 45 पढ़ पाए। अगर आप मेंटली सोचते कि 45 पढ़ूंगा तो आप 35 पे फटीग हो जाता आपको, हाँ है सर ना। तो थ्योरी भी कर ली आपने, वन सेकेंड आपने क्वेश्चन रेगुलरली प्रैक्टिस कर ली, एंड थर्ड वॉट यू ऑल्सो डन इज कि आपने एक टारगेटेड अप्रोच रखी। वन अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच टू मी इज वेरी, मतलब एकोइंग इन माई माइंड इज, कि कहीं पे भी जो आपका एक वीकर एरिया था उसको आपने लिख के किया। यस सर, जो भी जो क्वेश्चन मेरा गलत होता था सर, मैं उस टॉपिक को बार बार देखता था कि क्यों हो रहा है। मतलब एक ही टॉपिक को मैंने एक नोट्स में कम से कम 10 10 बार भी लिखा, अलग अलग जगह लिख, अलग 2 4 पेज छोड़ के फिर लिख दिया, 2 4 पेज छोड़ के फिर लिख दिया। जब जब मेरा गलत हुआ वो लिखता था, ये नहीं सोचता था कि वो लिखा हुआ है ऑलरेडी, फिर लिखता था उसको मैं कि भूलू ना याद रहे परमानेंट। एग्जैक्टली, आई थिंक दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि आजकल होता क्या है ना कि इन दिस एरा वेयर यू आर हैविंग द अवेलेबिलिटी ऑफ द पीडीएफ एंड द प्रिंटेड नोट्स, बच्चे सर गलती करते हैं कि पीडीएफ के भरोसे रहते हैं, लिख के नहीं देखते किसी भी चीज को। लिखेंगे तो हैबिट बनती है और वो परमानेंट मेमोरी में जाता है फिर लिखने की वजह से। 100%, इसमें तो कोई डाउट है ही। जो चीज आपने लिख ली उसको तो आप, मतलब आपको भूलने के लिए बहुत एक्स्ट्रा एफर्ट करनी पड़ेगी। हाँ सर, सर वो आपकी आपकी जो पैथोलॉजी बुक है सर, वो मेरी सबसे ज्यादा पढ़ी हुई है, और वो कम से कम मैंने 20 से 25 बार पूरी की पूरी लिखी है सर मैंने वो। अरे इतनी तो मैंने नहीं पढ़ी। 20 से 25 बार मैंने अपने हाथ से खुद लिखी है सर पूरी की पूरी। वो मैं लिख लिख के हाथ सर में दर्द हो जाता था, छप जाती थी यहाँ पेन पूरी की पूरी, मतलब एफर्ट लगता था पूरा सर लिखने तो में। आपका आपका वे ऑफ लर्निंग इज बाय राइटिंग, सो दैट्स अ वेरी गुड राइटिंग वे सर, ऑफ लर्निंग, मैंने ऑल दैट्स अ जितनी वेरी गुड चीजें, वे। हाँ जितनी भी चीजें मैंने याद की हैं वो सब लिख के ही याद की हैं। दैट्स और गुड। तो मैं सर आपने इसमें कितने, एक चीज बोलना चाहूंगा, मेरा दोस्त है पिनाराम भाटी, डॉक्टर पिनाराम भाटी, वो अभी वो जोधपुर में है, वो उसने मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में हेल्प की थी सर। वो मतलब बहुत अच्छा लड़का है, वो जिसने मुझे गाइड किया सबसे पहले कि चीजों को कैसे याद रखना है। मैं पढ़ता था चीजों को भूलता था, वो बोला कि तू लिख के याद कर, क्योंकि वो फर्स्ट अटेम्प्ट में ही पास हो गया था। वो ओके बोला कि तू लिख के पढ़, लिख के पढ़ेगा तो सारी चीजें याद रहेंगी। मैं लिखता नहीं था उस टाइम, तो फिर मैंने लिखना स्टार्ट किया, तो फिर लिखने के बाद जो लिखने से मजा आया फिर वो लिखने में ही रह गया। फिर लिखते ही लिखते सब चीजें, मतलब जब लिखता नहीं था दिन में जाके, अगर 2 4 पेज नहीं लिखे तो फिर ऐसा लगता था कि पढ़ाई नहीं की आज। लिखना ही मेरे को बेस्ट लगा कि लिखने से ही सब चीज याद रहेंगी। नहीं, ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मतलब वो इनफैक्ट आई थिंक ओल्ड यू नो एडवर्टाइजमेंट फॉर पेन कंपनी रोटोमा के रेनॉल्ड्स का भी था, लिखते लिखते लव हो जाए, तो वो लिखते लिखते याद हो जाए, आई थिंक दैट इज व्हाट इज हाँ वेरी। सर, तो क्योंकि फिर उस डॉक्टर, चीज पे आपको ना एफर्ट नहीं लगता। बुक्स ऐसा इस टाइम पे क्या है कि जब एक एग्जाम टफ एग्जाम आता है एंड जब ओवल एग्जाम क्लियर करते हैं, सो लॉट ऑफ पीपल आर वेरी एंक्शियस टू नो, या फिर बहुत सारे लोग जो होते हैं ना वो आपको बड़ा फॉलो करेंगे इस चीज में, कि आप जो उनको बताओगे ना वो उनके लिए, हम जैसे देसी भाषा में बोलते हैं ना, पत्थर पे लकीर है, यस उनके लिए ऐसी चीज होती है। तो जो जूनियर्स हैं, मान लो अभी सेकंड ईयर में है, या अभी मान लीजिए कि वो फाइनल ईयर में है या फर्स्ट ईयर में है,
वो ऐसा आपकी मान लीजिए एक स्टार्ट पूछते हैं कि मतलब सर बोल रहे हैं या भैया बोल रहे हैं कि आप उनको कब सजेस्ट करते हो कि जो ये एग्जाम है आपका स्कूलिंग एग्जाम है, इसकी तैयारी का आइडियल टाइम कौन सा होता चाहिए, कब करनी चाहिए तैयारी? सर मेरे क्या है कि मेरे को अभी जैसे पास हुआ तो उसके बाद मेरे पास कम से कम भी 100 के अबो कॉल्स आई हैं ओके जूनियर्स की, और उनमें से मतलब 3-4 जूनियर ऐसे हैं जो मेरे साथ स्टार्टिंग फर्स्ट ईयर से टच में हैं। ओके उनको मैंने स्टार्टिंग से ही बोल दिया, जब उन्होंने जब वो आए तो मैंने बोल दिया था उनको कि तुम लोग अभी से स्टार्ट करोगे तो मैं भी तुम वो स्टूडेंट बनोगे जो 250 अबो मार्क्स लेके आएंगे FMG के अंदर, गुड क्योंकि सर वो 2-4 मार्क्स से ही नीट UG में रहे हैं इंडिया में। ओके तीन मतलब मैं नाम बोलना चाहूंगा सर, एक दुष्यंत लड़का है मेरा, जूनियर है, बहुत अच्छा ब्रिलियंट स्टूडेंट है वो भी, तो उसके 590 मार्क्स आए हुए हैं नीट UG में, पर उसका सिलेक्शन नहीं हुआ। जी बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, तो वो भी लिख लिख के चीजों को याद करता है। मैं वो फिर अभी से उसने पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है, अभी वो 3rd ईयर में आ गया है, तो उसने कम से कम 10-12 सब्जेक्ट कंप्लीट कर लिए हैं। वेरी गुड, वो मतलब वो तो ये चाहता है कि नेक्स्ट आ जाए, नेक्स्ट की बदौलत मुझे वो ना देना पड़ेगा, PG नहीं देना पड़ेगा, मैं इसमें ही निकाल लूंगा PG की सीट भी। वो मतलब बहुत ब्रिलियंट है, रवि नाम करके एक जूनियर है, वो भी बहुत ब्रिलियंट है, एक चंदन है, बहुत ब्रिलियंट स्टूडेंट है, जो अपनी लाइफ में अच्छा कर लेंगे वो भी आगे जाके। FMG रहा तो निकाल ही लेंगे फर्स्ट अटेम्प्ट में, आपके हिसाब से मतलब यह है कि जितना जल्दी आदमी स्टार्ट कर ले उतना ज्यादा उसको जितना एडवांटेज। जल्दी स्टार्ट करेगा उतना ही बेस्ट रहेगा उसके लिए, क्योंकि मैं भी फर्स्ट ईयर से ही पढ़ा हूँ सर। ओके मतलब हैरिसन भी पढ़ी मैंने सर, 1000 पेज पढ़े मैंने हैरिसन के भी, और सारी टेस्ट बुक जितने भी टेस्ट बुक हैं आपकी लिखी हुई है टेस्ट बुक वो भी पढ़ी है मैंने। फिर माइक्रो मैंने पढ़ी, क्या नाम है, सोनू पवार सर की, वो टेस्ट बुक भी मैंने पढ़ी है। मतलब काफी टेस्ट बुक मैंने जो लगभग पढ़ी है, तो उनका भी सारा आप मिला है। एक बात बताओ कि जैसे एक एक मेंटल मतलब चीज होती है स्टूडेंट्स को कि मतलब किसी कारण से मतलब टाइम की शॉर्टेज हो गई या कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं वो हमारे पसंद के नहीं होते, तो स्टूडेंट्स कभी कभी बोलते हैं कि उनमें सब्जेक्ट मत पढ़ो, सिलेक्टिव स्टडी कर लो। आप नहीं ऐसी सर, चीज ये मैं जब मैंने पढ़ाई की ना सर, सबसे मेन बच्चों की बातें मैंने सुनी कि माइक्रो उनको याद नहीं होती। और पहली बात, जब मैं मतलब नोट्स पढ़ने स्टार्ट किए तो मैंने कभी ये सोचा ही नहीं कि मेरे लिए कोई सब्जेक्ट टफ होगा, बट मैं ये सोचता था कि इजी है तो पढ़ेंगे तो जरूर याद होगा, ऐसी बात नहीं कि याद नहीं होगा। अफर्ट करने से ही कोई चीज याद हो सकती है, बिना अफर्ट के कुछ नहीं मिलता। यहाँ तक कि माँ भी बिना रोए तो दूध भी नहीं पिलाती। अपने अपन को भी मेहनत करनी पड़ेगी तो ही कुछ आगे होगा। तो फिर मतलब माइक्रो भी ऐसी मेरे को कभी लगी नहीं कि माइक्रो टफ है। मतलब माइक्रो का मतलब प्री क्लिनिक में क्लिनिकल सब्जेक्ट में कम से कम मेरे 100 वो मार्क्स आए हैं, जिनमें मेरे को मतलब जैसे 3P फार्मा, पैथो फिजियो फार्मा, ये सब मैंने टिप्स पे रखी थी। बाकी सब 19 सब्जेक्ट पढ़े मैंने पूरे के पूरे, कोई नहीं छोड़ा, एक भी नहीं छोड़ा। और बच्चे ये क्या करते हैं कि 12 सब्जेक्ट पढ़ लिए, 14 सब्जेक्ट पढ़ लिए, मैं कह रहा हूँ कि ये नहीं करना चाहिए किसी को भी। 12-14 सब्जेक्ट नहीं होगा, क्योंकि अगर आपने कोई माइनर सब्जेक्ट भी पढ़ा है, अगर आपको उसमें 2 तुक्के लग गए, अगर आप वो पढ़ के गए हो तो क्या पता उसमें एक और करेक्ट कर लेते तो आपका एक नंबर बढ़ सकता था। हाँ जी हाँ जी। तो तुक्के के भरोसे तो नहीं डॉक्टर जाना चाहिए। सुनील, लो स्टूडेंट क्या करते हैं, आपको लगा था कि द पेपर वाज टफ, दिस फर्स्ट पेपर ज्यादा नो, टफ मैं था? मेरे को कभी नहीं लगा पेपर, कभी टफ नहीं लगा मेरे को अच्छा पेपर, टफ नहीं लगा, क्योंकि मैं PG के नोट्स पढ़े हमेशा। कोई भी मैंने FMG का नोट्स नहीं पढ़ा मैंने कभी भी, PG के ही नोट्स पढ़े। और इसलिए मैं मतलब मेरे भाई हैं, एक बड़ा एक छोटा है, तो अभी से ही वो बोल रहे हैं कि तो PG निकाल लेगा, तो PG की तैयारी कर, तेने पढ़ ही रखा है सब, तो PG की तैयारी करूंगा अब स्टार्ट में ही, इसीलिए। इसीलिए अगर आपने नोटिस किया हो ना डॉक्टर दिनेश, तो हमारी जितनी फैकल्टी है इंक्लूडिंग मैम, तो मैम वगैरह का सजेशन था, डॉक्टर अमरे सर का सजेशन था कि जो हमारे नोट्स हो ना हाँ उसमें हम सर, ना डाइकोटमी ना रखें, मतलब ऐसा ना बोले कि लेबल कर दें उसको कि ये FMG के नोट्स हैं या फिर ये PG के नोट्स हैं। तो हमने क्या किया, कंबाइंड नोट्स निकाले सेरिबेलम के, हाँ और सर, उसके अंदर ना कुछ बॉक्सेस हाईलाइटेड है, हाँ तो जो सर, आप क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं कुछ लोग, तो उनको आइडिया हो जाता है कि ये क्वेश्चन का लेवल ज्यादा है तो ये लाइकली है कि PG के लिए होगा।
बट हाँ इन्फॉर्मेशन कॉमन रखी गई है, क्योंकि ना मतलब हमें ऐसा लगा कि हम ना एक आर्टिफिशियल वो जो बैरियर क्रिएटेड है कि एक एफएमजी है या फिर एक आईएमजी है, उस बैरियर को ना खत्म कर दें, यूनिफॉर्म है। हाँ सर, मरीज तो मरीज है और आप डॉक्टर हो, आपने इलाज करना है, सही तो बात है। ये चीज सोचना कि ये वो पढ़ेगा या फिर इस एग्जाम में नहीं आएगा, उस चीज को ना खत्म करने का हमने मतलब सजेशन लिया, मतलब बहुत अच्छा था वो और उसका काफी अच्छा फीडबैक भी आया। इनफैक्ट अभी क्या हो रहा है कि एक स्टूडेंट जो कॉम्पिटेंट है यस सर, वो नॉर्मल इन्फॉर्मेशन पढ़ रहा है पूरी, तो यस जब सर, 8 पॉइंट याद कर सकता है वो 2 पॉइंट में ना सबकॉन्शियसली देख रहा है। सही बात सर। अभी अच्छी बात क्या है कि जिन लोगों का भी एग्जाम क्रैक हुआ, इस बार हुआ, जैसे आपका हुआ, जब आप पीजी एग्जाम की तैयारी करेंगे है ना, चाहे पैटर्न कुछ भी है, चाहे वो क्लिनिकल पैटर्न आए, चाहे वो फैक्चुअल पैटर्न आए, बट आप रियलाइज करोगे कि वो जो सबकॉन्शियस आपने रीडिंग कर रखी है ना, वो भी आपको एडवांटेज देती है। सही बात सर। बच्चे यही करते हैं सर गलतियां, कि वो स्पेसिफिक कंटेंट पढ़ने की कोशिश करते हैं कि ये पीजी के लिए है, ये एनआईसीटी के लिए है, तो ये मैं True. नहीं पढ़ूंगा। वो भी रॉन्ग है, क्योंकि ऐसा नहीं है कि उस कंटेंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन नहीं आएंगे। हाँ जी जैसे टीचर भी सब बताते हैं कि 250 क्वेश्चन नोट से आ रहे हैं, 50 क्वेश्चन बाहर से आ रहे हैं, तो 50 क्वेश्चन वो बाहर से वही आ रहे हैं जो एनआईसीटी और या फिर डीएनबी या फिर पीजी के एग्जाम में आए हैं, क्योंकि बिल्कुल ठीक 300 क्वेश्चन तो वही है ना जो मतलब मेडिकल के हैं, आउट ऑफ मेडिकल तो कुछ नहीं है। तो बच्चे वही करते हैं कि एफएमजी के क्वेश्चन है वही पढ़ लिए, एनआईसी के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, डीएनबी के क्वेश्चन नहीं पढ़ते हैं, एनआईसी के एमसीक्यू नहीं करते हैं, वो गलतियां करते हैं इस चीज की। जी हाँ तो जी मैंने कभी ये नहीं किया कि सब क्वेश्चन करता था मैं, एनआईसी के भी किए, मतलब 2017 से लेके अभी तक के जितने भी क्वेश्चन थे सब लगाए, कोई नहीं छोड़ा मैंने। और आपको क्या रियलाइजेशन हुई, जैसे आपने पेपर 2 दिया है ना, आपने सर्जरी के क्वेश्चन देखे, आपने मेडिसिन के क्वेश्चन देखे, या हाँ सर, आपने अपने कॉलेज के अंदर भी फाइनल ईयर के अंदर क्लिनिकल रोटेशंस करी, राइट? तो हाँ सर, आपको क्या लगा कि जैसे एक स्टूडेंट साइकोलॉजी आजकल जैसे मैं बात करता हूँ तो बोलते हैं कि अगर पैटर्न चेंज हुआ तो हम ना जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं सिर्फ उनको पढ़ेंगे, तो नहीं सर, ये भी गलत है। छोड़ देंगे ना, पैथ और फार्मा नहीं पढ़ेंगे या माइक्रो बिल्कुल नहीं पढ़ेंगे, मतलब आपको लगता है कि ये अप्रोच जो है ये ठीक है? नहीं सर, ये गलत है कि हम क्लिनिकल नहीं पढ़ेंगे या फिर प्री क्लिनिकल नहीं पढ़ेंगे, वो सब पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने मेडिसिन का क्वेश्चन करेक्ट करना है तो आपके दिमाग में एनाटॉमी भी होनी चाहिए, पैथो भी होनी चाहिए, फार्मा भी होनी चाहिए। प्री क्लिनिकल के बिना क्लिनिकल क्वेश्चन भी निकलना मुश्किल है, क्योंकि वो सब वो बेस है, बेस के बिना ही बेस नहीं होगा तो आप अगर मतलब अप्रोच कैसे करोगे बड़े क्वेश्चन के लिए, क्लिनिकल क्वेश्चन के लिए। अप्रोच तो तभी होगी जब आप प्री क्लिनिकल पढ़ोगे, हाँ जी हाँ जी तो प्री क्लिनिकल पढ़ने ही पड़ेंगे सर, जब ही होगा क्वेश्चन, नहीं होगा नहीं। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आप। इनफैक्ट अगर आप नई वाली गाइडलाइंस देखोगे ना, तो उसके अंदर ना ये टर्म जो है, जो पहले यूज होती थी, मतलब प्री क्लिनिकल, पैरा क्लिनिकल, क्लिनिकल, वो टर्म्स ही हटा दिए हैं, उसको बोलने लगे हैं फेज 1, फेज 2 और फेज 3। डॉक्टर दिनेश बताओ, यू सेड ना आपका रूटीन वाज सो मेनी रिविजन्स यू डन, बहुत सारा आपने मॉक्स दिए हैं, तो फिर आप ना हाउ डिड यू रिमेन मोटिवेटेड थ्रू आउट, क्योंकि ये आपका सेकंड अटेम्प्ट था। बहुत जल्दी बच्चे मोटिवेशन लूज करते हैं, आई गेट सो मेनी मैसेजेस सेइंग कि अब वी कांट डू इट एनी मोर, तो व्हाट केप्ट यू मोटिवेटेड? मैं पूजा पाठ करता था सर, मेरी मम्मी है जो हर रोज बोलती थी कि सुबह उठ के पूजा पाठ कर, पूजा पाठ करेगा तेरे को पॉजिटिव वाइब्स मिलेगी। तो मेरे दोनों भाई भी, छोटा और एक बड़ा, दोनों यही बोलते थे कि पूजा पाठ कर, पढ़ाई में मन लगेगा, और फिर खाना खा, घूम, मतलब जितना घूमेगा फिरेगा साथ में, मतलब फालतू टाइम वेस्ट मत करना अपना, मतलब पढ़ाई में लगा मन, और मतलब जब मन नहीं हो तो घूम, मतलब इधर उधर मत घूम, पार्क में घूम, मतलब जिससे नेचुरल एयर मिले, माइंड थोड़ा शार्प हो, मतलब एयर मिले तो इससे मतलब अच्छा अच्छा रहेगा तेरे लिए। तो इन्हीं बातों को रख के मैं पढ़ता रहा और भाइयों को देख के, मतलब मेरे डैडी ये नहीं है वो ना। बहुत इम्पोर्टेंट है, पॉजिटिव वाइब्स आने बहुत इम्पोर्टेंट है, एंड दैट्स वेरी गुड कि स्पिरिचुअल साइड पे आप गए, समथिंग इज रिक्वायर्ड टू व्हिच कीप्स यू मोटिवेटेड, दैट्स वेरी इम्पोर्टेंट। यस मैम। और फिर क्या है कि डैडी नहीं है, तो मेरे डैडी का सपना अच्छा, था कि मैं मतलब डॉक्टर बनूं, सो तो वो नहीं, नाइस, तो उसी चीज को देखते हुए ही मस्ट बी पढ़ता लुकिंग रहा। डाउन एट यू एंड बीइंग वेरी वेरी प्राउड, दैट्स यस मैम। वेरी नाइस। अच्छा, आप बिफोर वी एंड जस्ट टेल अस कि आप अपने जूनियर्स को सबसे इम्पोर्टेंट 3 टिप्स क्या दोगे फॉर द नेक्स्ट एग्जाम, मतलब नेक्स्ट एग्जाम की नेक्स्ट एग्जाम डेट नहीं, द में नेक्स्ट एग्जाम हो रहा है एफएमजी ना? एग्जाम, अपकमिंग हाँ एफएमजी एग्जाम के मतलब लिए एफएमजी 3 टिप्स। एग्जाम हो, हाँ एफएमजी हो या हाँ नेक्स्ट हो, जो भी हो, नहीं दिसंबर जो वाले, भी हो, मतलब अभी टाइम है, जैसे कि अब से मतलब है ना, तो हाँ अभी जैसे मान लीजिए 2 महीने रह गए हैं, 2.5 महीने रह गए हैं, तो मतलब वो क्या करें ऐसा ताकि उनका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाए एग्जाम क्रैक करने का? एटलीस्ट महीने में 2 मॉक दें,
अभी जैसे 3 4 मंथ बाकी हैं तो 8 मॉक हो जाएंगे, ओके लास्ट के मंथ में 10, मतलब जब 10 दिन रह जाए, लास्ट के 10 वीक 10 दिन 10 डेज में ना मॉक दे ना कुछ दे, 20 डेज तक ही 2 मॉक कंप्लीट कर दे बाकी के, और 8 मॉक दें और उसको लिखें। उस उन मॉक को देने की वजह से आपको ये पता चलेगा कि कौन सी चीजें इंपॉर्टेंट है कौन सी नहीं है, कौन सा चैप्टर इंपॉर्टेंट ज्यादा है, कौन सा चैप्टर में कंटेंट ज्यादा आ रहा है, क्या बार बार चीजें पूछी जा रही हैं। मतलब ये तो है नहीं कि तो मॉक से प्रीवियस ही ईयर वही लाइन टॉपिक्स का आइडिया लग जाएगा, प्रीवियस की ईयर टॉपिक्स का टॉपिक्स आइडिया लगेगा, की टॉपिक्स आपको पता चल जाएंगी कि राइट इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट क्या क्या है। जैसे कि तीन क्वेश्चन मैंने, मतलब बार बार जितने एग्जाम दिए तो उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बार बार आते थे, मतलब जैसे मैलिग्नेंट मेलानोमा है, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा है और बेजल सेल कार्सिनोमा है, बच्चे मतलब बच्चे इनके बस नाम रख के जाते हैं और स्पोर्ट पढ़ लिया कि क्या है। मतलब आजकल ये नहीं आता कि काला मार्क्स दे दिया कि बता दो ये है, उसका अंदर का डिस्क्रिप्शन भी पूछते हैं कि बेजल सेल कार्सिनोमा है क्या, मतलब सुपरफिशियल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको डिस्क्रिप्शन पूरा पढ़ना पड़ेगा, समरी भी पढ़ना पूरी पड़ेगा। पढ़नी तो पड़ेगी उसकी। फर्स्ट स्टेप इज कि आप मॉक्स करो, व्हाट एल्स, और क्या एडवाइस मॉक्स दोगे? मॉक्स करो मॉक्स पूरा करना, का पूरा का पूरा का पूरा, मतलब कि नोट्स भी पूरा पढ़ो, ये नहीं कि सुपरफिशियल पढ़ लिया कि इन्वेस्टिगेशन चॉइस पढ़ ली या एमआर मतलब जो भी ड्रग ऑफ चॉइस पढ़ ली, ऐसे नहीं होगा, मतलब पूरा का पूरा आपको टॉपिक पूरा पढ़ना पड़ेगा, वो पूरी जानकारी होगी तो ही आपका क्वेश्चन क्रैक होगा, क्योंकि जो चीज बार बार पूछी जा रही है ये नहीं होगी कि अगले अटेम्प्ट में वो ही पूछी जाए, वो टॉपिक वही हो सकता है, क्वेश्चन चेंज हो जाएगा आपका, बिल्कुल ठीक। जिससे क्वेश्चन चेंज होने की वजह से आपने सोच लिया कि नहीं सर ने ये तो पढ़ाया ही नहीं था, हम तो ये पढ़ गए हैं, सर ने तो पढ़ाया है बट आपने पढ़ा ही नहीं, राइट, गलती तो यहाँ हो रही है ना, बेसिकली सर ने पढ़ा दिया मैं आपने नहीं पढ़ा। मॉक दिया आपने, तो मेरे को जो 3 चीजें समझ में आई, पहला तो है कि रेगुलर मॉक दे रहे हो आप, उससे आपने अपने वीकर एरियाज आइडेंटिफाई कर लिए, है ना, और बार बार उससे अपना रिगार्डिंग द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर मोर फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन द एग्जाम्स एंड यस सब्सिक्वेंट। Once you've identified it, then you are supposed to, in his own experience, he's writing it down and therefore he's putting it straight away into his long-term memory rather than, you know, cutting down everything and then reading it superficially. यस यस सर यस सर। ठीक है, तो डॉक्टर दिनेश अब ये और बताओ, क्या है कि ये जितने मैं भी कहूंगा रिवीजन कि मैंने, एक किला तो आपने फतेह कर दिया, एफएमजी एग्जाम तो हो हाँ गया 173, है ना, यस तो व्हाट इज द नेक्स्ट स्टेप, व्हाट डू यू सी योरसेल्फ डूइंग 5 इयर्स डाउन द लाइन? सर। सेकंड में मतलब अभी जैसे कि पीजी की तैयारी करने लग गया हूँ जी तो पीजी देना है, तो मतलब मैं अब एलिजिबल हूँ एनआईसीटी के लिए भी, 173 आए मेरे, ठीक है तो मैं तो एनआईसीटी भी दूंगा कि मैं उसको क्रैक करूँ, जी, तो मतलब ये सोच रहा हूँ कि एनआईसीटी की प्रिपरेशन अच्छी करूँ, क्योंकि उसके लिए ना मतलब टेक्स्ट बुक भी पढ़नी पड़ेगी 2 4, जैसे कि नोट्स भी पढ़ूंगा, नए नोट्स खरीदने पड़ेंगे, पुराने नोट्स नहीं, अपडेट होती हैं हर चीजें, इसलिए तो एनआईसीटी भी दूंगा पीजी भी दूंगा, और एक ये अभी एक एग्जाम होता है यूपीएससी सीएमई, यूपीएससी सीएमएस, तो नेक्स्ट नेक्स्ट ईयर है वो भी दूंगा सर, नहीं ये तो तीन आपका एग्जाम आपका है आपका प्रेफरेंस एरिया ऑफ स्पेशलाइजेशन क्या है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। सर, एमडी या फिर रेडियोलॉजी। ओके, भी पहले मेरा मतलब मुझे था कि मैं लगता नहीं, सर्जरी, गनौर गनौर में रेडियोलॉजिस्ट नहीं है जितनी मुझे इतना मुझे पता है, नहीं है ना गनौर हाँ में मैम रेडियोलॉजिस्ट, यू विल बी द फर्स्ट यहाँ पे रेडियोलॉजिस्ट। सोनीपत डिस्ट्रिक्ट में मैम एक ही पीडियाट्रिशियन है, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है यहाँ पे, नहीं है, वही मैं कह रही हूँ, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है, मुझे पता है, यू विल बी द रेडियोलॉजिस्ट नहीं फर्स्ट है यहाँ पे। रेडियोलॉजिस्ट। हाँ मतलब एक ही है जो पीडियाट्रिशियन है, वो ही हर जगह पे जा जाके, जैसे कि यहाँ पे खानपुर पीजीआई है, वहां पे कोई बड़ा केस आता है तो उन्हीं को ही बुलाया जाता है, मतलब डॉक्टर गर्ग, मतलब पूरा नाम जानता है, डॉक्टर गर्ग कोई है जो उनका क्लिनिक है यहाँ छोटा सा गनौर में, तो वही जाते हैं, बट मेरा पीडियाट्रिशियन में इंटरेस्ट नहीं है क्योंकि मेरे को बच्चे जितने खास पसंद नहीं है, चिल्लाते ज्यादा हैं ये। मतलब वो तो देखो इंडिविजुअल चलो प्रेफरेंसेस होती हैं, आई 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 होप सर एंड प्रे दैट जो आपकी पर्सनल प्रेफरेंस है, यू स्पेशलाइज इन दैट पर्टिकुलर ब्रांच, एंड ऑफ कोर्स ऑल 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 द बेस्ट क्या विशेस सर, फ्रॉम सेरिबेलम फैमिली दैट यू एक्सेल इन योर प्रोफेशनल करियर एंड योर पर्सनल लाइफ एज वेल। हाँ सर मेरे तो ये है कि पहले सर्जरी सोचता था, सर्जरी में मैंने काम भी किया है तो, बट मैं धीरे धीरे इंटरेस्ट हट गया सर्जरी से मेरा, बट मेडिसिन में मेरा इंटरेस्ट ज्यादा आ गया, और फिर क्या नाम है, और रेडियोलॉजी तो अच्छी है ही, मतलब
इसलिए दो ब्रांच सिलेक्टेड है मेरी, एमडी मेडिसिन या फिर रेडियोलॉजी। ठीक है जी, बहुत ऑल द बढ़िया वेरी बताया। बेस्ट डॉक्टर दिनेश। और मैं तो मतलब ऐसा बोलूंगा कि आप प्लीज हमारे तरफ से, सेरिवेलम परिवार की तरफ से, माता जी को जरूर शुभकामनाएं और हमारी सादर प्रणाम। बहुत बहुत अच्छा आपने एक अचीवमेंट प्राप्त किया, भगवान करे कि आप और यस अपने ब्रदर्स को भी उतना ही करवे करिएगा, हमारी तरफ से शुभकामनाएं। क्योंकि आई थिंक मतलब परिवार यस में सभी लोगों का जो कंट्रीब्यूशन है ना, कई लोगों का डायरेक्ट कंट्रीब्यूशन होता है, कई लोगों का हिडन कंट्रीब्यूशन होता है, बट फैमिली एक ऐसी चीज है जो आपको हर समय ना जेन्युइनली, आई थिंक दो ही लोग होते हैं आपके लाइफ में जो आपके लिए हमेशा दिल से दुआ मांगते हैं, एक आपके फैमिली होगी और एक आपके टीचर्स होंगे, है ना। बाकी सब लोग तो आपके साथ एक कॉम्पिटिशन कर रहे हैं। सो वी होप एंड प्रे दैट यू डू रियली वेल फॉर योर सेल्फ डॉक्टर दिनेश। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन। ठीक है।